हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो एसपीएम सीआईएल की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो यस फ्रेशर्स, इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप लोग को सैलरी 55,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जो एक पीएसयू है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है सुपरवाइजर प्रिंटिंग के लिए, जिसमें आप लोगों को सैलरी 27,600 से लेके 95,910 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग टोटल सैलरी 55,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का बीवीटेक की हो तो उसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें आप लोगों को सेम सैलरी मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीवीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का बीवीटेक की हो तो उसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सुपरवाइजर मैकेनिकल के लिए, जिसमें आप लोग को सेम सैलरी मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का बीवीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सुपरवाइजर एयर कंडीशनिंग के लिए, जिसमें आप लोग को सेम सैलरी मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का बीवीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा इस पर्टिकुलर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का बीवीटेक की हो तो ऑफिस के लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है सुपरवाइजर एनवायरनमेंट के लिए, जिसमें आप लोगों को सेम सैलरी मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का बीवीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सुपरवाइजर आईटी के लिए, जिसमें आप लोग को सैलरी 55,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का बीवीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सुपरवाइजर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 18 ईयर्स लेके 30 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा सुपरवाइजर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए गेट स्कोर की कोई भी रिक्वायरमेंट यहीं पे नहीं है। सो अगर आप लोग गेट क्वालिफाइड नहीं हो तब भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए, जिसमें आप लोग को सैलरी 18,780 से लेके 67,390 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल सैलरी 45,000 पर मंथ मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 103 है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग प्रिंटिंग ट्रेड में से आईटीआई की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। इस पर्टिकुलर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 18 ईयर्स लेके 25 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। टोटल कुल मिला के 125 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर यहीं पे बहुत इजी रखा गया है। इसमें आप लोगों का सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जो कि ऑनलाइन होगा। अगर आप लोग रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं रखा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। इसमें आप लोग का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसके लिए एडमिट कार्ड आप लोग को वेबसाइट में से मिल जाएगी। उसके अलावा इसमें आप लोग का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो मार्क्स है उसके बेसिस पे निकलवा जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 26 नवंबर 2022 से। इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रहा गया है 16 दिसंबर 2022।
ऑनलाइन एप्लीकेशन फी सबमिशन के लिए लास्ट डेट कहा गया है 16 दिसंबर 2022। इसमें आप लोग का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो जनवरी या तो फरवरी 2023 पे होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे एप्लीकेशन फी रखा गया है, बट कितने एप्लीकेशन फी रखा गया है उसका डिटेल्स इन्होंने नोटिफिकेशन पे कहीं पे क्लियरली मेंशन नहीं किया है। और एप्लीकेशन फी आप लोग को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। तो फ्रेंड्स ये है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और उसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट पर जरूर मेंशन करना था। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।